जय हिंद दोस्तों। सरकार ने मोनेटाइजेशन के नाम पर तीनों सेनाओं में अग्निपथ योजना लाई, जिसके बाद पूरे देश में जमकर बवाल मचा हुआ है। यह योजना सरकार पूर्व CDS शहीद बिपिन रावत के कार्यकाल में लाना चाहती थी, लेकिन उस समय CDS रावत इसके सख्त खिलाफ थे। तो आइए जानते हैं कि सरकार को सेना में ही ऐसी योजना लाने की क्या जरूरत पड़ी और क्यों CDS रावत इसके खिलाफ थे, और CDS रावत कौन सी ऐसी योजना लाना चाहते थे जिससे सरकार का पेंशन का बोझ भी कम हो जाए और सेना वैसी की वैसी बनी रहे। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में हमारे देश में पूर्व सैनिकों की संख्या लगभग 24 से 25 लाख है, और हर साल तीनों सेनाओं में लगभग 60 से 70 हज़ार सैनिक रिटायर्ड होते हैं, जो कि आमतौर पर 38 से 42 वर्ष की उम्र में रिटायर्ड होते हैं, जिनकी रिटायरमेंट के बाद निर्भरता पेंशन पर रहती है। अगर इस साल के रक्षा बजट की बात करें तो कुल बजट में से 1,90,00,000 रुपये सरकार ने पूर्व सैनिकों को पेंशन देने में खर्च किए। इसलिए सरकार ने पेंशन का बोझ कम करने के लिए अग्निपथ योजना लानी पड़ी। लेकिन सरकार इस योजना को पूर्व CDS शहीद बिपिन रावत के कार्यकाल के समय ही लाना चाहती थी, लेकिन CDS रावत इसके खिलाफ थे, क्योंकि उनका मानना था कि जब देश पाकिस्तान और चीन से दोहरे मोर्चे पर कायम खतरे से लड़ रहा है तो उन्हें ऐसे जाबाज सैनिक चाहिए जो कि इन विषम परिस्थितियों में जाबाजी से और अपने अनुभव के आधार पर लड़ सके, ना कि सिर्फ युवा जोश के साथ। इसलिए CDS रावत ने सरकार को एक ऐसी योजना के बारे में सुझाव दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि 35 से 40% जवानों का कार्यकाल बढ़ाकर 55 वर्ष की उम्र तक कर दिया जाए और उन्हें 55 वर्ष की उम्र में रिटायर किया जाए, जिससे पेंशन का भार भी कम होगा और लगभग 60 से 65% कम उम्र के जाबाज जवान भी युद्ध के हर मोर्चे पर खड़े रहेंगे। इससे युवा के जोश के साथ साथ वहाँ पहले से मौजूद सैनिकों के एक्सपीरियंस के आधार पर हम किसी भी लड़ाई को जीत सकते हैं। तो अब ये साफ है कि CDS रावत का ये फॉर्मूला खारिज हो चुका है और सरकार ने 4 साल की ड्यूटी अग्निपथ लागू कर दी है। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।